हरियाणा में पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, जिसे पढ़े लिखों का शहर कहा जाता है, लेकिन यहां पर भी अवैध धंधों की कोई कमी नहीं है। वीरवार को चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच एवं चंडीगढ़ तंबाकू कंट्रोलर का सेक्टर 15 रेहड़ी मार्केट में छापे मारकर विदेशी सिगरेट बरामद की गई। इस संबंध में तंबाकू कंट्रोलर डॉक्टर कंबोज का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पास दबकर गैर कानूनी सिगरेट का धंधा हो रहा है। कहने वाले ये भी बताते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी का युवा दिनों दिन नशों का शिकार होता जा रहा है। देखिए चेकिंग करते हुए टीम व क्या कह रहे हैं अधिकारी। शॉप्स हैं यहाँ पर, ये सिगरेट की ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, तो उसको लेकर हमने ये ऑपरेशन किया है और हमें यहाँ जो सिगरेट्स मिली हैं वो हमने कार्रवाई कर रही है चंडीगढ़ पुलिस को, उसको हमने सामान को सीज कर लिया। सर कितनी दुकानों पर रेड किया आपने, क्या क्या अभी तक? चार दुकानें हमने चेक की, जिसमें से तीन दुकानों पर हमें सामान मिला, एक पे नहीं। जी सर, क्या प्रावधान है, क्या सेक्शन हैं उसके अंदर, क्या क्या? एज पर लॉ जो कोटपा एक्ट है उसमें जो हम सिगरेट की डब्बी देखते हैं उसमें 85% कवरेज होना जरूरी है, जिसमें वार्निंग और सेहत के लिए जो हानिकारक वर्ड है वो होना जरूरी है, ठीक है। उसके बगैर सिगरेट अलाउड नहीं है, जो कि सेल नहीं की जा सकती, ठीक है। जो ये हैं जो इंपोर्टेड सिगरेट्स हैं ये विदाउट वार्निंग, पिक्चर वार्निंग के और विदाउट वार्निंग के तहत बिक रही थी ये सारी, बिल्कुल, जो कि अलाउड नहीं है, ठीक है, वो इलीगल हो जाती है। ठीक है सर, थैंक यू, बस शॉर्ट्स कर ले सर, ठीक है जी, थैंक यू। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।